हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ है। अब आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक, अब आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो आप ये जानते हैं, ये आपका ट्राई का मीन्स क्या होता है आप लोग जानते होंगे। ट्राई का मीन्स होता है थ्री, एंड गो नो का मीन्स क्या होता है साइड्स। गो नो का मीन्स साइड्स। एंड जो मीट्रिक हो गया, उस मीट्रिक का मीन्स क्या होता है मेज़र। यानी कि ट्रिगोमेट्रिक का मीन्स क्या हो गया थ्री साइड्स का मेज़र। यानी कि आपको बोला जाए कि ट्रिगोमेट्री किसे बोलते हैं, एक ट्राइंगल होगा जिसकी साइड्स को एंड एंगल को मेज़र करें, वो आपका ट्रिगोमेट्री कहलाती है। अब बात करते हैं, अगर ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशियोज़ होते हैं उन्हें हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ बोलते हैं। जैसे कि कोई एक मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम ए बी सी। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जो वी हो गया वो 90 डिग्री का एंगल करा है, ठीक है। अब आपका आप जानते हैं एंगल इसमें जो सी है, एंड ये साइड हमारी क्या कहलाती है बेस कहलाती है। जिस साइड पे आपका जो 90 डिग्री एंड जो एंगल होगा वो आपका बेस होता है, और 90 डिग्री के सी अपोजिट वाला एंगल होगा वो आपकी जो एकदम लार्ज साइड होती है वो, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एंड जो आपकी ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें ट्राइंगल में थ्री साइड्स हो गई, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, ये तो आपको पता लग गया। अब इनका फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हम परपेंडिकुलर को पी से लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज को एस से लिखेंगे। इसी तरीके से हम बेस को बी से लिखेंगे, ठीक है। बीस को बी से लिख दो, हाइपोटेन्यूज को एस से लिख दो, परपेंडिकुलर को पी से लिखेंगे हम। इसमें साइन थीटा का हो गया, इसी तरीके से हम कॉस थीटा का निकालेंगे, तो कॉस थीटा का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। इसलिए थर्ड हो गया टेन थीटा का, टेन थीटा का निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। इसी तरीके से हम फोर्थ यानी कि कॉट थीटा का निकालेंगे, कॉट थीटा का टेन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होगा, बी अपॉन पी यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। इसी तरीके से फिफ्थ वाला हमारा कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हमारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसका एच अपॉन पी हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिक्स हमारा हुआ सेक थीटा, सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि एच अपॉन बी, एच मीनिंग हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस चीज़ को मैं एक ट्रिक से आपको फॉर्मूला याद करवाने के बता रहा हूँ, आपको याद करना है, यहाँ पे एक ट्रिक्स अपनानी है, बोलना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले कच्चा सेब काटे। अब आप देखेंगे ऊपर वाला ये साइन है, साइन को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। कॉस आपका बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और नीचे वाला हो गया ये आपका क्या है कॉसेक, कॉसेक अपॉन क्या हो जाएगा जिसका रेस्ट रेसिप्रोकल। अब एच अपॉन पी हो गया, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, सेक आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया, एंड कॉट आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इस ट्रिक से आप इन इन रेशियो के फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइएगा आइडेंटिटीज पर, आइडेंटिटीज। अब आपके ये हैं स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। अब देखेंगे हम इसी से हम दो और निकालेंगे, अगर आपसे बोला जाए कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस के
कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कॉज स्क्वायर थीटा को निकालने को बोला जाए तो वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बता सकते हैं, यानी कि ठीक है एन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, एक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखे इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन से आपके तीन फॉर्मूले बन गए। इसी प्रकार से यहाँ से भी तीन और बनने वाले हैं। देखो अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा बन के आप इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इससे भी आपको देख रहे हैं इससे भी आपको तीन मिल गए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इससे भी आपको तीन फॉर्मूले मिलने वाले हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। तो आपको यहाँ से भी तीन मिल गए। ठीक है, यानी कि तीन तीन छः तीन नौ, नौ फॉर्मूले आपके स्क्वायर से यहाँ से मिल गए। अब देखिएगा, अब आपके लिए बताते हैं मल्टीप्लाई में, जो कि लेकिन उसमें स्क्वायर नहीं होगा। देखो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आपको वन अपॉन कॉसेक थीटा बोल सकते हैं इसके लिए। अगर आप कॉसेक थीटा की निकालेंगे यहाँ से तो आप वन बाई साइन थीटा इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप कॉस थीटा एंड सेक थीटा में रिलेशन होता है यहाँ पे इक्वल टू वन। अगर यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर सेक थीटा की निकालना चाहते हैं तो वन बाई कॉस थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। एंड टेन थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू वन होता है। अगर यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आपको चाहिए हो, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है वन बाई कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन टेन थीटा। एंड देखिएगा, अब 90 माइनस थीटा के क्वेश्चन फॉर्मूले होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, नंबर टू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन और कॉस आपस में ही चेंज होंगे। नंबर थ्री, अगर टेन 90 डिग्री माइनस के थीटा हो तो इज इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा आपका। नंबर फोर, कॉट 90 डिग्री माइनस के थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा ये। नंबर फाइव, सेक 90 डिग्री माइनस के टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा हो जाएगा। नंबर सिक्स, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं आपके 9 से लेकर 12 तक, तो ये यूज़ होते भी हैं। अगर आपके और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी इनका यूज़ होता है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले तो फिलहाल बेसिक के हैं, ये तो याद करने ही करने हैं। ठीक है, और अगली वीडियो इन्हें आप पढ़ अच्छे से याद करें, तभी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे।